गणपति गजानंद महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवह्निनयन वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भस्मारणम्। अपने उल्टे हाथ में भस्म लीजिए, सीधे हाथ से उसको रगड़िए, फिर अपने कपाल पे, कलाई पे, गले में सभी जगह भस्म लगाए और महिला केवल टीका लगाए। यदि रुद्राक्ष माला है तो गले में धारण कर लीजिए, फिर सीधे हाथ में जल के 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः इति अस्तौ प्रक्षाल्य। चौथी बार जमीन पे हाथ धो लीजिए। बाद में आपको यदि प्राणायाम आता है तो प्राणायाम करें, वरना 12 दफे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जाप करें। सुमुखश्चैकदन्तश्चाकपिलोकचकर्णकः भालचन्द्रो गजाननः जनमालाय चमच में पानी लीजिए, उसमें चंदन गंध पुष्प वाला फूल पकड़ के रखिए। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। अब मैं जो बोलूं वो आपको बोलना है, बोलिए। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम तथा च महारुद्र कृपा प्रसाद प्राप्ति हेतवे तथा च महारुद्र प्रीति अर्थम अभिषेक पूर्वक शिवपूजन अहम करिष्ये। पानी छोड़ दीजिए, फिर से चम्मच में जल पकड़ के रखिए। उन्दधरादौलिगरक्षणं कलशार्थिनं दीपपूजनं च करिष्ये। पानी छोड़ दीजिए। बाएं हाथ में सरसों के दाने पकड़ के रखिए, यानी कि अपने उल्टे हाथ में सरसों के दाने लीजिए और दाहिना हाथ ऊपर ढक दीजिए, सीधा उसके ऊपर ढक दीजिए, इस तरह से पकड़े। ओम अपसर्पन्तु ते भूताये भूता भूमि संस्थिता फेंक दीजिए। अपना उल्टा पैर जमीन पर 3 बार पटके भूमि त्रिवाड़म ताड़े तो उदक स्पर्श। अपने दाहिने कान पे सीधे कान पे 1 बार पानी लगाए। उदक स्पर्श स्वाम भाग अक्षत कुंजो करे बलक कलश संस्थाप्य। 2 दाने चावल के रखे, उसके ऊपर कलश रख दिए, कलश को हाथ लगा के रखिए। गंगे यमुने नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गुरुमिति अङ्कुशमुद्रया सूर्यमण्डलात् सर्वाणि दर्धान्यावहाय वामिति धेनुमुद्रा अमृतधृत्य भूमिति कवचनकुण्ठ्य मत्समुद्राम् आच्छाद्य। कलश के ऊपर अपना सीधा हाथ रखिए, उसके ऊपर उल्टा हाथ रखिए।
अंगूठा जो दोनों है वो छुटा अलग रखिए और 8 बार वम शब्द का उच्चार कीजिए। ओम वम 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 वरुणाय नमः। कलश को चारों दिशाओं में टीके लगाइए। ओम गुरवे ऋग्वेदाय नमः। ऋग्वेदं पूजयामि। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः। यजुर्वेदं पूजयामि। पश्चिमे सामवेदाय नमः। सामवेदं पूजयामि। उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेदं पूजयामि। कलश मध्ये पाम्बदे वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि। कलश के अंदर भी चिट्ठी डालिए। ओम वरुणाय नमः। ध्रुवचार्य ओम एक फूल लीजिए, चंदन चावल वाला कीजिए और भगवान वरुण का मन में स्मरण कीजिए। फूल कलश में डाल दीजिए। वम वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि तस्माद् उदकाद् उदकम् गृहीत्वा कलश में से समस्त पानी अपने कटोरे में लीजिए। उसमें से एक चम्मच पानी अपने उल्टे हाथ में लीजिए। सीधे हाथ से अपने शरीर के ऊपर पानी के छींटे डालिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो पिवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सवायाव्यन्तरस्तुते सर्वं शुचिः। वहां पे दीप प्रज्वलित है, दीप नारायण को नमस्कार कीजिए। कर्म साक्षिणी दीप नारायणाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य नारायण को वंदन कीजिए। सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। अपने माता पिता का मन में स्मरण कीजिए। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। अपने गुरु महाराज का मन में स्मरण कीजिए। यदि आपने कोई गुरु बनाए हैं तो उनका मन में स्मरण कीजिए। अगर नहीं बनाए हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण पूरे जगत के गुरु हैं, उनके मन में स्मरण कीजिए। सभी ब्राह्मण देवता है उनका मन में स्मरण कीजिए। सभी गुरु समान है। सद्गुरवे नमः। ज्ञान प्रदात्रे नमः। गणपति महाराज का मन में स्मरण कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदा यसुल लंबोदराय सकला यजगतिधाय निर्घोषिताय गौरीसुताय गणनाथनमो नमस्ते। ओम सिद्धिपति सहित गजाननाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। पार्वती मैया को नमस्कार कीजिए। अम्बा शाम्भवी चंद्रमौली रमणा वरणा उमा पार्वती काली है मवते शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री पत्र लीजिए हाथ में, चंदन चावल वाला कीजिए और भगवान शिव जी का मन में स्मरण कीजिए। गाय नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतन संरतना कल्पोज्वलांगम वर्ष मृग वरा भीत्यस्तम प्रसन्नम बदमासीनम समन्वास्तुतम गणे व्याघ्र कृत्रिम वसानम सदाशिव भवान शंकर महारुद्राय नमः। शिवजी को चढ़ा दीजिए। सांब सदाशिव भवान शंकर महारुद्राय नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि बिल्वदलानि समर्पयामि। दो दाने चावल के पकड़े के रखें,
रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण शिवशंकर। चढ़ा दीजिए स्वाम्ब सदाशिव भगवान शंकर महारुद्राय नमः। आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि। चम्मच में जल पकड़ के रखिए। उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तन्ते प्रतिगृह्यतम्। चढ़ा दीजिए पानी। ओम महारुद्राय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। फिर से चम्मच में जल पकड़ के रखिए। ताम्रपात्रे स्थितं तोयं गन्धपुष्पफलान्वितं स हिरण्यं ददामर्घ्यं गृहाण शिवशंकर। चढ़ा दीजिए महारुद्राय नमः। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। फिर से चम्मच में जल पकड़ के रखिए। सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहाण शिवशंकर। चढ़ा दीजिए महारुद्राय नमः। मुखाम्बुजे आचमनीयं समर्पयामि। अथ पंचामृत स्नानम्। पांच चम्मच पंचामृत चढ़ाइए भगवान को। पयोदधिघृतं चैव मधुच शर्करायुतं पंचामृतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। महारुद्राय नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धजल आचमनीयं समर्पयामि। भगवान् को इत्र चढ़ाइए। नानासुगन्धिद्रव्यं च चन्दनं रजनीयुतं उदवरतनं मया दत्तम् गृहाण शिवशंकर। दो चम्मच पानी चढ़ाइए। महारुद्राय नमः। सुगन्धितैलस्नानं समर्पयामि। सुगन्धितैलस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धजल आचमनीयं समर्पयामि। एक फूल बेलपत्र लीजिए। चंदन चावल वाला कीजिए और शिवजी का मन में स्मरण कीजिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। चला दीजिए महारुद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि बिल्वदलानि समर्पयामि। चम्मच में जल पकड़ के रखिए। अनेन पूर्वाराधनेन महारुद्र प्रियतान्न मम। पानी छोड़ दीजिए। उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य भगवान को चढ़ाया हुआ फूल या बेलपत्र ले लीजिए। अपने मस्तक पे लगाइए, आँखों पे लगाइए, हृदय पे लगाइए। उसे सूंघ के अपनी उल्टी दिशा में जमीन पे छोड़ दीजिए। थोड़ा सा हाथ धो के वापस एक फूल बेलपत्र लीजिए। चंदन चावल वाला करके भगवान शिवजी को चढ़ा दीजिए। महारुद्राय नमः। गंधपुष्पं संभोज्य अभिषेकं कुर्यात्। ओम नमो भवाय शरवाय रुद्राय वरदाय च पशूनां वदये नित्यं उग्राय च कपरदिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शान्तये ईशानाय मदन्नाय नमोस्तन्दघातिने कुमार गुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेदसे पिनाकिनेह विश्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधाय नपराजिते नित्य नीलशिखण्डाय शूलिने विश्वात्मने विश्वसृजे
विश्वमावृत्यतिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय सर्वाय शंकराय शिवाय च नमोऽस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो संक्षेयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुलम्बिने नित्यं सिध्यतां नो वरप्रभु एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवस्सहार्जुनः प्रसादयामास भवं तदा यस्त्रोपलब्धये महारुद्राय नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। अभिषेक होने के बाद भगवान को शुद्ध जल से अच्छी तरह स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद भगवान को अच्छी तरह पोछ लीजिए। पोछ के भगवान को भस्म का त्रिपुण, चंदन का टीका आदि लगा के दूसरे शुद्ध पवित्र पात्र में, नए पात्र में उनको विराजमान करिए। और वो पात्र आपके पास जो चौकी पाटला वगैरह हो उनके ऊपर रख दीजिए। वस्त्रम भगवान को वस्त्र चढ़ाइए। यदि वस्त्र ना हो तो आप लाल रक्त सूत्र भी चढ़ा सकते हैं। सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे को जनेऊ चढ़ाइए। नवविस्तन्दुभिर्युक्त त्रिगुण देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाणां शिवशंकर महारुद्राय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधम वाम। भगवान को चंदन के छिट्टे डालिए या फिर चंदन का टीका लगाइए। श्रीखंडौ चंदनम दिव्यं गंधार्यं सुमनोहरम् भगवान को चावल के दाने चढ़ाइए। अक्षदाष्टा सुरश्रेष्ठ कुंभवाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा शिव शंकर महारुद्राय नमः। अलंकारार्थेक्षतां समर्पयामि। भगवान को पुष्प चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् चढ़ा दीजिए। महारुद्राय नमः। ऋतकालोद्भवानि पुष्पाणि समर्पयामि। बिल्वदलम् भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाइए। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रयायुधं त्रिजन्म पाप बिल्वं शिवार्पणं बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यपठे शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्ता शिवलोकमवाप्नुयात्। महारुद्राय नमः। बिल्वदलानि समर्पयामि। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान को यदि ज़्यादा पुष्प है तो श्रृंगार कीजिए और बाद में अबिल, गुलाल और सिंदूर चढ़ाइए। अबीलम आयशो वृद्धि गुलालम प्रीतिवर्धनम सिंदुरेण समायुक्तम सौभाग्यम प्रतिगृह्यताम। महारुद्राय नमः। परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। भगवान को काले तिल, कमल गट्ठा और भस्म चढ़ाइए। तिला कृष्णा तिला श्वेता तिला गोमय संस्थिता तिला हरन्ति पापानि शरीरे च सुखावह हरेस्ते सहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं
यतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां। महारुद्राय नमः। कृष्णतिलान् समर्पयामि, कमलफलान् समर्पयामि, भस्मं समर्पयामि। बाद में भगवान के पास धूप और दीप प्रज्वलित कीजिए और चम्मच में पानी पकड़ के रखिए। वनस्पति रसोत्पन्न हो गंधार्यो गंध उत्तम आघरे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। पानी छोड़ दीजिए। महारुद्राय नमः। धूपं आघ्रापयामि। दिया को नमस्कार कीजिए। फिर से चम्मच में जल पकड़ के रखिए। साज्जं च वरद संयुक्तं मनहीनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं। पानी छोड़ दीजिए। दीपं दर्शयामि नैवेद्यं। भगवान के पास, आपके पास, आपने जो अलग से भगवान के लिए प्रसाद के लिए फल निकाल के रखे हैं, मिष्ठान है, मिठाई है, जो कुछ है भगवान के पास आगे पात्र में रख दीजिए। जो भगवान के पास भोग लगाना है वो भगवान के पास आगे पात्र रखिए, भोग लगाने के लिए जो रखना है वो, और उसमें फल इत्यादि मिठाई मिष्ठान जो भोग लगाना है उसमें रख दीजिए। भगवान के पास आगे जो भोग लगाया है उनके ऊपर पानी के छींटे डालें और चम्मच में जल पकड़ के रखिए। शर्करा खंड खाद्यानी दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। पानी छोड़ दीजिए। ओम प्रवाच मुनिं समर्पयामि। फिर उल्टा हाथ के पास रख के दाहिने हाथ से भगवान को भोग लगाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। एक चम्मच जल छोड़ दीजिए। मध्य आचमनी समर्पयामि। फिर से खिलाइए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तीन चम्मच जल छोड़िए। हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम नैवेद्यान्ते आचमनीयम समर्पयामि। भगवान के पास मुखवास के लिए पान सुपारी, इलायची, लवंग इत्यादि कुछ हो तो भगवान के पास रख दीजिए। सुखा मेवा भी आप भोग के लिए लगा सकते हैं। भोगी फल महद्यम नागवल्ली दलरियुतम ऐलादिचूर्ण संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृहीयताम। महारुद्राय नमः। मुखवासार्थे पुष्पल ताम्बूलम समर्पयामि हिरण्य दक्षिणम। भगवान के पास कुछ दक्षिणा रख दीजिए अथवा नमस्कार कीजिए। महारुद्राय नमः। हिरण्य दक्षिणम समर्पयामि। अपनी आरती प्रज्वलित कीजिए और भगवान की आरती उतारिए। पुष्पैः देवतावन्दनं वा स्वात्माभिवन्दनं वा आत्माभिवन्दनमस्तौ प्रक्षाल्य आरती को जल की प्रदक्षिणा कीजिए। आरती के ऊपर से फूल घुमा के भगवान को चढ़ाइए। भगवान को आरती दीजिए। आप खुद आरती ले लीजिए। हाथ धो के फिर अपने हाथ में फूल बेलपत्र लीजिए और भगवान की प्रार्थना कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने
शिव भवान शंकर महारुद्राय नमः प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। चमत में जल पकड़ के रखिए, 11 बार ओम नमः शिवाय का मन में जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अनेन पूजना कर्मणा कृतेन सांब सदाशिव भवानी शंकर महारुद्र प्रियताम नमः। बोले रामेश्वरम।